बेटी को दुष्ट आत्मा दिखाई देता था और वो दुष्ट आत्मा इसकी चोटी खींचता था, इसका गला दबाता था, इसके हाथ पैर टूट जाते थे। पास्टर जी, बहन का नाम किरण है और ये गवाही इनकी बेटी की है जो व्हाइट फ्रॉक में है, जिसका नाम कोमल है और ये मंजोली के रहने वाले हैं। ये बता रहे हैं जब इनकी बेटी 10 साल की थी पास्टर जी, इन्हें दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। बेटी को दुष्ट आत्मा दिखाई देता था और वो दुष्ट आत्मा इसकी चोटी खींचता था, इसका गला दबाता था, इसके हाथ पैर मुड़ जाते थे, इसे दंदल पड़ती थी। और ये बता रहे हैं कि घर में इनके चीजें गायब हो जाती थी। और ये बता रहे हैं कि बेटी खाना भी ठीक से नहीं खा पाती थी, इनके अच्छे अच्छे कपड़े और इवन के पैसे तक भी टॉयलेट में अपने आप ही चले जाते थे, अपने आप ही टॉयलेट में चले जाते थे। हाँ। और कभी इनके घर वालों के कपड़ों के ऊपर पास्टर जी टॉयलेट लग जाती थी। हाँ। और जिसके कारण, क्योंकि ये ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, उस दुष्ट आत्मा के कारण घर में इतना क्लेश रहता था, ये एक दूसरे पर ब्लेम लगाते थे कि आप जानबूझ के हमारे कपड़े गंदे कर रहे हो। हाँ। ये बता रहे हैं कि इनके पैसे गायब हो जाते थे और घर में परिवार वाले एक दूसरे पर दोष लगाते थे जब पैसे चोरी हो जाते थे। हाँ। ये बता रहे हैं 2 साल इन्होंने अपनी बेटी को तांत्रिकों के पास, तांत्रिकों को दिखाया पास्टर जी, झाड़ फूक करवाई पास्टर जी। हाँ। दागे दलवाए इस बेटी को, इवन के घर में कीले ठुकवाई, जो कीले वो करके देते थे, इन्होंने अपने घर में वो कीले भी ठुकवाई और बेटी को ताबीज बना बना कर भी पहनाए। ये बता रहे हैं उसके बाद वो चीजें घटने की बजाय बढ़ने लगी। ये बता रहे हैं कि इनका एक स्टोर है, उस स्टोर में अपने आप ही फ्रूटी की बोतल खुल जाती थी और कोई उसे पी जाता था। और पास जी बता रहे हैं इनकी बेटी को बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन बेटी के मामा ने इन्हें चर्च के बारे में बताया। हाँ। और ये बता रहे हैं ये पहली बार सनोली चर्च में आए थे। आपके बाल खींचता था कोई? हाँ जी। हाथ पैर मुड़ जाते थे? हाँ जी, मुड़ जाते थे। कितनों को समझ में आ रहा है, 10 साल की छोटी बेटी। और ये बता रहे हैं पास्टर जी, उस दिन सनोली चर्च में सबके लिए ले हैंड प्रेयर हो रही थी और उस दिन अपोस्टल अभिषेक जी ने इनके बेटी के लिए प्रार्थना की। उसके बाद बेटी को ये दिखाई दिया कि वो दुष्ट आत्मा चर्च में ही गिर गया, वहाँ भी बैठा रहा, वापस घर पे नहीं गया। क्या देखा आपने जब प्रार्थना हुई? प्रार्थना हुई तो शैतान नीचे गिर गया। शैतान नीचे गिर गया और जब आप घर गए तो वो आपके साथ नहीं गया, वो चर्च में ही निकल गया। हालेलुया। और उसके बाद आप पूरी तरह आजाद हैं? पूरी तरह से आजाद हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का प्रभु। इतने साल आपने दुख उठाया अपनी बेटी को चंगा करने के लिए, आप हजारों जगह गए, सब कुछ करा, पैसे भी खर्च किए, जो जिसने बोला वो किया कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। हाँ जी, हमने 20,000 रुपया खर्च कर दिया था जी, पर कोई आराम नहीं। कोई आराम नहीं जी, कोई कीले गड़वाता था, कोई कुछ, इतना कुछ करया प्रभु, पर एक प्रार्थना से वो चंगी हो गई। हाँ जी, उसी दिन से आजाद हो गए। उसी दिन से आजाद हो गए। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड।